लोग देख सकते हो फाइनली हम लोग का बरिश्ता वाला बोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो सामने मार रखा हुआ, तब इसको लगवाते हैं यहाँ पे भैया को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हम लोग फाइनली बोर्ड आ चुका है, इसको लगा देख सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग बोर्ड लगाना शुरू हो चुका है, ऊपर में लगा देंगे इसको पूरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सब कैसे हो? आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त हो, अपने लाइफ में खुश हो। दोस्तों अभी सुबह का टाइम, तो आप सभी को मेरा और सब प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज का ब्लॉग जो शुरुआत हो रहा घर से ही, बट अभी लेट में शुरू हो रहा है, 10 बज रहा। तो आज यहाँ पर अभी गर्मी का सीजन है, तो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो आपको दिखाते बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जी अभी कर रहा हंडी वाला चावल को ठंडा, यहाँ पे देख सकते पूरा काम कर रहा है। और फिलहाल कोई है ही नहीं एक दो। और यहाँ पर धूप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप हो रहा है भाई, देख सकते भाई कितना ज़्यादा धूप है यहाँ, बहुत ज़्यादा ही धूप है। दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे तो नहा के, नहा धो के फ्रेश होकर आते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा हुआ। मैं ड्रेस वगैरह हम यहाँ रख लिया, और अभी हम लोग निकलते हैं नदी, आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे नहाते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल भाई सभी कोई है ही नहीं, सब जा चुका है, क्रियाक्रम का घर है, तो पूरा खाली खाली लग रहा है। बट चलो कोई भी है, संडे है बट इतना खाली खाली है। तो चलिए नदी जाते हैं और आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अभी मतलब गर्मी का सीजन। देख सकते हो आज अपना बस्ती में पूरा अभी खाली खाली लग रहा है। संडे बट आज के दिन तो भीड़ लगना चाहिए, बट कोई नहीं है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक नाली का हम लोग का रोड का ठीक नहीं हुआ, चलने बड़ी दिक्कत हो जाता है हमें। ट्रक हो गई पार लग गई ऐसे टूटा का, वाह जब पूरा फैक्ट्री बनना बड़ा सा पूरा इधर तक देखिए, पूरा कम चल रहा है बट अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ, 2 साल से बन ही रहा। दोस्तों इसमें नदी में बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कितना धूप हो रहा है। इधर आपको दिखाते हैं देखिए हमको नदी का नज़ारा, और यहाँ पर हम लोग काम भी चल रहा है, काम मतलब एक चीज़ चल रहा है, बालू सब लेके जा रहा है, सब बेच रहा है, पूरा गड्ढा करते नदी के पूरा बनाने, पूरा गड्ढा बना दिया इधर हर तरह गड्ढा है, पूरा दिखता होगा अभी गड्ढा दिखाते हैं यहाँ पर। ये लोग तो बैठा होगा काजी, बहुत दिन के बाद आया हाँ, संडे को खाली टाइम मिलता है। अरे हमको बड़ी दिक्कत है, साधु कपड़ा लाया हुआ तो उसको भी हम साफ करते हैं। अब ये लोग नहाते हैं, आप देख सकते हैं गड्ढा में पानी उठा उठा के साफ करना पड़ता है, तो जल्दी फटाक से नहाते फिर आपसे मिलते हैं। तो साफ उसको साफ करना पड़ेगा हमको पूरा, थोड़ा सा ड्रेस लाया पानी या गड्ढा देख सकते हैं, ये ऐसे नहाना होगा पानी निकलने तो हम लोग ऐसे पानी उठाते, देखिए ऐसे पानी उठाना पड़ता है, उसके बाद कपड़ा जो धोना है नहाइए ऐसे नहाते हैं डाल डाल के पूरा। तो आज मेरा सारा पन भिगा दिया, जो भी चलिए साफ करते हैं। लेडीज़ लोग नहा देख सकते हो आप लोग सामने में, और यहाँ पर हम लोग गड्ढा है, अभी हमको नहाना होगा, इसे साफ भी करेंगे, कपड़े सब वहाँ रखा हुआ सब उसको साफ करते पानी उठा उठा करके। देख सकते हैं नदी का पानी तो पूरा काला काला हो चुका है, पूरा गंदा हो गया, आपको दिखाते पास जाकर भी कितना काला है पानी, देखिए झोल भी इसके ऊपर में बैठ गया, अभी कोई नहाया भी नहीं साला, इतना गंदा हो गया, नहा दो रेडी हो चुका है। और अभी देख सकते हैं ये लोग अभी नहा रहे हैं बड्डे के पास, तो अभी रेडी हो गए, तो अभी हम लोग निकलते हैं घर पे, ड्रेसेस उठा लेते थोड़ा सा। दोस्तों मेरा सूट यहाँ पे हम सुखा दिया था, ड्रेस यहाँ पे हमारे टाइम पे हम नहा दो रेडी हो चुके, साबुन मार ले देते, चलिए उठा तो हम लोग गड्ढा खोल दिए तो निकालते हैं यहाँ से भाई। दोस्तों फाइनली नदी से आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी हम जा रहे थे घर। और दोस्तों आपको देख लिया होगा यहाँ पे कितना ज़्यादा मुश्किल है नहाने, बहुत ज़्यादा ही हम किसी गड्ढा में पानी उठा उठा के नहाया, ना के ऊपर कपड़ा उपड़ा धोया तो उसका निकल गया, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाई दोस्तों जैसे हम नदी से ऊपर आया ना, तो यहाँ पे कुछ छाया मिला पेड़ का है, और यहाँ बगल में मंदिर है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहले है हम लोग का मंदिर, और इधर से गाइस अभी हम लोग आया, यहाँ पूरा उठा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा धूप दे रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है भाई। और जो आप बिल्डिंग दिख रहा वाला भाटिया बस्ती है नदी उस पार में है, तो गाइस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग का होता है ना जो अभी के टाइम पर, अभी जो होगा मार्च अप्रैल में है, 1-3 महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है पानी का, और नहीं तो दूसरा दिन में मतलब दूसरा जो मौसम आता है आपको जून जुलाई अगस्त उधर में कोई दिक्कत नहीं है, पानी का पूरा सफिशेंट रहता है, पूरा साफ सफाई भी रहता है, अभी तो पूरा पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो आज आप लोग भी अगर कोई भी जमशेदपुर में आना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पर नहाने का जगह होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को ऐसे सर्वाइव करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं जैसे कि नदी जा रहा है इतना धूप में, और काफ़ी लोग जा रहा है, जैसे हम भी इकला नहीं, आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाते रुको, अभी दूर भी है तो ठीक से दिख नहीं रहा, तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान जरूर से रखना, नहीं तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है गाइस। तो आज हमको भी धूप से बहुत ज़्यादा थकन हो गया, अब भूख भी लग रहा है, तो अभी चलते घर और आपसे मिलते घर पर। चलिए अभी निकलते घर, अभी धूप देख सकते हैं, कोई फैक्ट्री में कोई आदमी नहीं देख रहा भाई, देखो देखिए दोस्तों हम फाइनली नहा धो करके आ चुके हैं घर, और यहाँ देख सकते हैं मेरा कपड़ा वगैरह हम सुखा दिया पूरा, यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग खाना खाते तो घर में, इसमें बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है,
आज इतना सुनसान लग रहा है ना, ऐसा कोई है नहीं, सब कोई गया क्रियाक्रम पे, तो यहाँ पे पूरा खाली खाली है। टुबलिंग दोनों बैठा हुआ है एक अकेला। तो चल गाइस अभी हम लोग खाना खा रहे, थोड़ा भूख लगा बहुत ज़्यादा यार, 12 बज रहा है, अभी खाना तो खाना पड़ेगा। बाल्टी को साइड कर देते हैं, यहाँ पे साइड करना पड़ेगा। कोई नहीं है भाई, खाली खाली घर में बाइक में खड़ा हुआ, इसको भी साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा गंदा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते गाइस अभी हम लोग लगा लिया पे LED, तो कहे कि ना यहाँ पे हम लोग बॉल 2-3 बार लगाया था, लेकिन 2-2 बार चोरी हो गया। हम मम्मी जी खड़ा हुआ अंदर में, सो ये तो बाल्टी तो करा बाल्टी तो दोस्तों पोल्टी ले लिया। अब देख सकते यहाँ पर अंडा ले लिया बॉयल वाला, और यहाँ पे देख सकते पानी वाला खाना। तो गाइस अभी हम लोग खाते हैं और खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों हम जल्दी जल्दी खाना वाना खा के हम लोग निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए। तो गाइस हमको पहुंचना थोड़ा जल्दी है, तो स्टोर से फ़ोन आया था उसी के कारण सबको बाकी चीज़ आपको दिखा नहीं पाया। तो गाइस अभी मिलते हैं स्टोर में डायरेक्ट। हम फाइनली पहुंच चुके बरिश्ते के पास, तो आप देख सकते पीछे में। तो अभी हम लोग चलते अंदर और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते कौन कौन आया हुआ आज। आज अभी हम लोग चलते अंदर, अंदर का नज़ारा आपको दिखाते। अभी देख सकते गाइस अभी 2 बजे का टाइम है, तो अभी खाली खाली पूरा देख सकते, पूरा खाली है, कोई कस्टमर भी नहीं है। अभी देखते बोनी बटा हुआ है कि नहीं, देख लेते गाइस। अभी आज बोनी बटा हुआ और ये शायद लगभग हमको लग रहा है बिकट आया था, सिस्टम जल्दी ऑन नहीं हो रहा। बैग वगैरह हम नीचे रख दिए, और यहाँ पे देख सकते मशीन है, कॉफ़ी मशीन यहाँ पे है पूरा, अभी चल रहा है नहीं, सब ठीक है भाई। ऐसे भी हम लोग बंद कर कर एक गेस्ट भी नहीं है ना बाहर में, तो उसी के कारण से हम लोग बंद करना पड़ा गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते काफ़ी सारा ड्रिंक आया इस बार, नया नया को दिखाया नहीं, दिखा और स्टूडियो में तो दिखाया नया नया ड्रिंक, चॉकलेट वाला वेनिला शेक है, लेमन है, लेमन क्लासिक लेमन है, एकदम मस्त टेस्ट है। और यहाँ पे ये चीज़ आया हुआ है देखिए, आलमंड ब्राइट ये भी अच्छा है, छोटा छोटा वाला है देखिए, ऑर्पिट आया हुआ छोटा वाला मस्त है, तो दिखा रहे वो देखिए ऑर्पिट सिंगम टाइप का है, कैंडी है आपको दिखा देते गाइस, आप देख सकते हैं कैंडी वाला टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और पीछे में व्यक्त है ये वाला भी अच्छा है, वाला कैंडी भी मस्त है। तो दोस्तों अभी आपको दिखाने वाला हम लोग बरिश्ता का काफ़ी सारा सिपर वगैरह आया हुआ, तो वो सब चीज़ आपको दिखाते हैं एक बार, तो प्राइस भी बताएंगे हम। यहाँ पर देख सकते गाइस यहाँ पर कितना प्यारा सा सिपर है वाला भी, ये वाला कौन किस चीज़ के लिए, वाला खाली आपको ठंडा ठंडा के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये वाला हमको सबसे पसंद है, हमको भी लेना है वाला, हम भी ले लेंगे कुछ दिन के बाद। इसका दाम है 1500 रुपये से 1400 रुपये, और छोटा वाला आया ये वाला हॉट कॉफ़ी के लिए, ये वाला हॉट भी ले सकता है ना, हाँ पकड़ने के लिए सुविधा है। इसका प्राइस है 750 हमको देगा, 750 इसका प्राइस सबसे ज़्यादा। ये वाला कप भी अच्छा है बरिश्ता का, देख सकते गाइस यहाँ पे बरिश्ता वाला कप कितना मस्त है भाई, इसमें कॉफ़ी पीना होगा। इसका भी इसका प्राइस कितना है, 5 समथिंग हमको था हमको लग रहा है। इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं गाइस 599, इससे थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और हमें फ्रेंच फ्राई आया हुआ है, देख सकते फ्रेंच फ्राई नया मॉडल, इसको हम लोग अभी तक ओपन ही नहीं किया, इसको बनाएंगे एक बार तब कोई को दिखाते हैं, तो ओपन करके तो फ्रेंच फ्राई को ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं अभी, इसको चेक करते हैं कैसे है अंदर, चेक कर लेंगे इसको। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फ्रेंच फ्राई, इसको ओपन करके देखते हैं, ये वाला सेल करने के लिए है, हम लोग परचेस किया। देखिए इसमें आप लोग कॉफ़ी पूरा बना सकते हैं, इसमें पूरा स्ट्रॉन्ग वाला कॉफ़ी बनता है भाई। देखिए गाइस ये फिल्टर, हाँ इसका फिल्टर, इसका अंदर देख सकते हैं, देखिए सब प्रोसेस भी लिखा हुआ, आपको बता देते हैं छोटा सा। इसका प्राइस है कितना आपको बताया था, आपको प्राइस है इसका गाइस 350 ml का क्वान्टिटी रहता है, इसका 449 कम प्राइस है इसका, तो अच्छा है ना। इसका देखिए ऐसे आपको स्क्रूच करना, इसका यहाँ पर लिखा हुआ पूरा डिटेल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गाइस पूरा डिटेल में, तो आपको चाहिए होगा तो हमसे बताइएगा, आपको डिस्काउंट करके दिला देंगे हम। और दूसरा चीज़ आपको दिखाते हैं, ये वाला और एक आया हुआ, ये अलग मॉडल का है, ये दूसरा मॉडल है, इसका प्राइस कितना है, उसका था 449, इसका 650, इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं अलग फ्रेंच, ये सब सेल कर, ये भी सेल करने के लिए दिया हुआ, तो आपको ओपन करके दिखा देते पूरा अच्छा तरीके से। तो आज आप लोग देख सकते फाइनली हम लोग निकाल लिया, तो उसका देख लेते कैसे, ये दूसरा मॉडल है भाई, सेम ही है बनाने का, लेकिन उसका क्वालिटी दोनों का अलग अलग है, इसी के कारण से ना इसका ज़्यादा प्राइस है, देख सकते हैं अलग अलग, इतना प्यारा सा लग रहा है भाई। तो इसको ओपन करके देखते हैं कैसे था, ऐसे ही फेमस है, इसको 750 प्राइस है ना, देखिए इसका जंपर
और इसके अंदर में पानी डालोगे उसके बाद एक बार गिर जाएगा भाई। ये देखिए ये छोटा सा इसमें बना सकते हैं, इसका 350 ml इसका भी क्वांटिटी है, लेकिन अच्छा है गाइस। आप लोग अगर चाहिए इसको भी परचेस कर सकते हैं घर में, अगर जिसको कॉफ़ी का पसंद है, जिसको कॉफ़ी लवर होगा उसके लिए ये सब हम लोग मंगा कर रखे हैं। अगर चाहिए होगा तो हमको कॉन्टैक्ट जरूर से करिएगा। अभी हम लोग चलेंगे बेल्जियम वॉफल, जहाँ वहाँ पर डेजर्ट मिलता है, काफ़ी सारा आइटम डेजर्ट का ही है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा विजिट करवा देते हैं। लास्ट वाला वीडियो में आपको देखा ही होगा, तो अभी भी चलते चलिए। यहाँ पे देख सकते गाइस दादा पार्टी सब बैठा हुआ, क्या बात है। और उनका फिर टेस्ट किया दादा आया था, सब बैठा हुआ देखिए गाइस। हेलो कर रहा है सबको, हाय सब बैठा हुआ, अभी सेल भी नहीं है भाई, सब खाली खाली बैठा हुआ। टाइम पास चल रहा है ना सबको। कैसे डब्बा बना रहे हैं, डब्बा बॉफेल का। अरे ये मशीन ऑन कर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आप, हम लोग का बॉफेल का मशीन ओनली चारों खाली है, इसी से बनता है डेली का। चलो कौन सा इसमें क्या बनता है, हम एक दिन पैन केक छोटा वाला देखिए। चलो आज ऑर्डर नहीं है ना, पूरा खाली खाली है। अरे यहाँ पे देख सकते चॉकलेट वगैरह भी रखा हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट, व्हाइट है ना, व्हाइट चॉकलेट है, मिल्क स्प्रेड मिल्क चॉकलेट, ये वाला कौन सा डार्क चॉकलेट, पूरा काला काला देख रहा है भाई ये देख। अच्छा और एक तो ओरियो किकी वाला कौन सा है, किकी ओरियो, हाँ ये वाला यार देखिए दोस्तों कैसे देख रहा है ओरियो किकी। अच्छा नाम ही ऐसे ना, ये वाला बटर स्कॉच, हाँ बटर स्कॉच, तो हम लोग ट्राई करते हैं बनाते हैं। सुमन क्या बोल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये इसका भी चार्जेस लगता है ना, 10 रुपये 10 रुपीज़ चार्जेस। लेकिन डब्बा मस्त अच्छा है, हमको डब्बा बहुत पसंद है बेल्जियम का। हेलो देखते हो कितना प्यारा सा नहीं लग रहा, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए पूरा डब्बा ही डब्बा रखा हुआ लोग। अरे और स्टोर तो यहाँ पे छोटा सा ही है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसका डाइनिंग सिस्टम नहीं है, पूरा टेक आया है। लोग देख सकते फाइनली हम लोग का बरिश्ता वाला बोर्ड आ चुका है, तो यहाँ पे देख सकते सामने मोहर रखा हुआ, तब इसको लगवाते हैं यहाँ पे भैया को, ऊपर में लगा देंगे ना, हाँ इसका ऊपर में ही। यहाँ पे देख सकते आज फाइनली आ चुका हम लोग का बरिश्ता वाला बोर्ड, नहीं वहाँ साइड से नहीं देख रहा था उसी के कारण से यहाँ लगवा रहा था। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हम लोग फाइनली बोर्ड आ चुका है, इसको लगाना कहाँ पे है, यहाँ पे ना ऊपर में लगाएंगे। अभी इसका दोस्तों इसका ऊपर में भी हम लोग चढ़ा रहा है, इसको ऊपर में लगा पकड़ देना अभी दोस्तों। ऐसे भी हम लोग का ये जो सामने वाला बोर्ड है वहाँ पर ठीक से नहीं देख रहा था उधर साइड से, तो इसी कारण से अभी हम लोग इसका ऊपर में लगा दे रहे पूरा टॉप में। पहले भी यहाँ पता बेल्जियम वाला कितना अच्छा देख रहे थे, सामने में भी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ सब जैसे बेल्जियम बफल, तो अभी ऊपर में हम लोग को लगेगा जो उसके ऊपर में देख सकते। फिलहाल अभी हम लोग बोर्ड लगाना शुरू हो चुका है, ऊपर में लगा देंगे इसको पूरा। वाह मस्त लग रहा है देखना दोस्तों, यहाँ पर अभी देख सकते फिलहाल कैसे लग रहा है देखना। थोड़ा सा सैलून वाला बैनर को तो साइड करना होगा, उसको तो सामने पूरा देखेगा स्टार्ट, हालांकि तो नहीं बी नहीं दिख रहा, वहाँ पर देख सकते बी नहीं दिख रहा सामने में, तो इधर साइड से आपको दिखा देता दूसरा साइड से कैसे दिख रहा, इस साइड से ठीक है, इस साइड से पूरा परफेक्ट दिख रहा है जिससे देखिए बरिश्ता का। यहाँ पर जस्ट बरिश्ता सामने में देख सकते हैं फिलहाल, अब इसको तार का कनेक्शन बचा हुआ, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो फाइनल में बोर्ड तैयार हो चुका है, उन्हें तार भी फिटिंग ऑन करके देखते हैं एक बार, दादा ऑन कर दीजिए और वो ऑन करिए अभी एक बार देख, एक ही स्विच में दोनों है ना अभी ऑन, तो भाई देख सकते फाइनली रेडी हो चुका है। और इस साइड अभी देखिएगा पूरा बरिश्ता कितना प्यारा सा लग रहा है भाई, यहाँ पर नीचे बेल्जियम बॉफल भी है। दादू आप कर रहे अभी बंद कर दीजिए चल। दोस्तों अभी रात का 8 बज रहा, तो अभी हम लोग देखते हैं साइनिज बोर्ड हम लोग को कैसे लगता है, आपको दिखाते हैं सामने से, दादू वहाँ बैठा हुआ होगा तो अभी हम लोग देख लेते हैं। और गाइस से आप देख सकते हम लोग बोर्ड फाइनल ऊपर में लग चुका है, बट यहाँ से देख नहीं रहा, आप पास जाकर दिखाते हैं नीचे से अभी कितना प्यारा सा लगा भाई, दोनों साइड से दिखेगा राइट साइड से। दादू क्या हाल है, देखिए गाइस हम फाइनल हम लोग का लग चुका है बरिश्ता का बोर्ड, नीचे है बेल्जियम बॉफेल और ये वाला भी है फैली से, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। और इधर साइड में देख सकते आज पहले क्या होता था ना, रोड आने जाने का उन लोग एल देख नहीं पा रहा था, उसके कारण से हम लोग एल लगा लिए यहाँ बोर्ड, कितना अच्छा लग रहा है भाई देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते दोनों साइड से भी देखेगा। क्या चीज़ दे रहा दादा को, दादा के लिए तो हम लोग चलते अंदर। और गाइस आप देख सकते हैं रात 8 बजे में भी कोई है ही नहीं फिलहाल, देख सकते पूरा खाली खाली। और ऐसे भी गाइस आपको पता ही कि कल हम लोग का होली है, तो आप सभी को मेरा उससे एडवांस ऐसी हो रही गाइस, और हम लोग भी मनाएंगे कल। और ऐसे भी गाइस आज मतलब आज नहीं कल हम लोग ऐसे भी कल स्टोर हम लोग बंद रहेगा, और बरिश्ता पूरा बंद रहेगा, बल्कि मोबाइल दोनों चीज़ बंद रहेगा। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड गाइस चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर दिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।